भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर महीने के 13 और 28 को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। मुंबई में जब रहते थे तो पापा की मुलाकात मेहता अंकल से हुई थी। अंकल सिर्फ पापा के कोलीग ही नहीं, हमारे भी नेबर थे। अंकल का स्वभाव इतना अच्छा था कि उनको अपने खून के रिश्ते वाले चाचा जैसे मानते थे हम लोग। हम लोग मतलब मैं और मेरा छोटा सा भाई। अंकल काफ़ी बार अपने गांव जाया करते थे और तब हम सब उनको बहुत ही ज़्यादा मिस किया करते थे। वो कहा करते थे कि गांव में उनका परिवार है। हम सब ने बहुत बार उनको कहा भी था कि गांव से कभी अपने परिवार को अपने पास भी लेकर आए, कम से कम आंटी को तो यहाँ अपने पास ले आए। ऐसा भी मेरे पेरेंट्स ने अंकल को बहुत बार कहा था, पर हर बार उनका एक ही जवाब था कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो उनको गांव से नहीं लाते। वहाँ अंकल का परिवार ही बस आंटी को संभाल पाते हैं। यहाँ तक भी कहा था अंकल ने कि आंटी घर से बहुत कम ही निकला करती है। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। पर अंकल जब भी गांव से वापस आते थे वो हमारे लिए आंटी के भेजे हुए पकवान, मिठाई और ढेर सारा खाना हमें देकर कहते थे, सुषमा ने बार बार मुझसे कहा है कि बच्चों को कैसा लगा सब टेस्ट करके ये मुझे बाद में कॉल पे ज़रूर बताना। जब जब ये सब सुनते थे हमारा दिल आंटी को देखने के लिए और उनका साथ पाने के लिए ललचा उठता था। उनको कभी बिना देखे भी उनका इतना प्यार दिल को छू जाती थी। इधर दूसरी तरफ पापा और अंकल की बहुत गहरी दोस्ती थी। कोलीग तो वो थे ही और साथ में वो एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख की बातें भी शेयर किया करते थे। ऑफिस के प्रॉब्लम भी कई सारे होते हैं तो एक दूसरे से वो बातें भी कर लिया करते थे। अच्छा लगता था ये देखकर कि पापा उस अनजान शहर में भी अकेला नहीं महसूस करते थे। वैसे तो मेरे पापा किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे तो दोस्त बनाना उनके बस की नहीं थी, पर मेहता अंकल जैसा दोस्त हो तो अकेले रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अंकल बिल्कुल अलग थे, हंसमुख और हर किसी के साथ घुल मिलने वाले। एक बार की ही बात है जब मैंने उनसे आखिर बोल ही दिया, अंकल आप आंटी को ले ही आओ ना, हम सब मिलकर उनका देखभाल भी कर लेंगे। पर ऐसे बस उनके बारे में सुनकर मन नहीं भरता, प्लीज़ अंकल मान जाओ ना, उनको बस लेकर आओ, बाकी हम सब संभाल लेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे उनको। अंकल इस बात पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोल पड़े, तुम इतनी छोटी हो, खुद को संभाल नहीं पाती और आंटी का ख्याल रखने की बात कर रही, क्यों बेटा मैं अब पसंद नहीं आ रहा क्या तुम दोनों को, जो हर वक्त आंटी आंटी करे जा रही। माँ उनकी बातों को बीच में रोक कर बोली, अरे भाई साहब, बच्ची ठीक ही तो बोल रही है, अब आप भाभी को लेकर ही आइए, इतना मत सोचिए, हो सकता है यहाँ पर आने से उनकी तबीयत में सुधार आ जाए। पापा भी माँ की बातों से सहमत होने पर अंकल थोड़ी सोच में पड़ गए और एक गहरी सांस लेकर बोले, शायद मुझे आप लोगों को अब सब कुछ बता ही देना चाहिए कि आखिर क्यों मैं सुषमा को यहाँ लाने से कतराता हूँ। दरअसल बात ये है कि सुषमा की दिमागी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था, पर इस बात का कारण जो है वो मैं आज आपको बताऊंगा। कुछ सालों पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, आज से बस 3 साल पहले की ही बात है, जब मैं और सुषमा अपने गांव में बहुत खुश रहा करते थे अपने दो बच्चों के साथ। निधि और राजू हमारे आंखों के तारे थे, दोनों ही बहुत होनहार विद्यार्थी थे
और काफ़ी शरारती भी। गांव में मैं ऑफिस भी जाया करता था और अपने परिवार का दुकान भी कभी कभार संभाल लिया करता था। मेरा घर ऑफिस के पास ही होने की वजह से बच्चों और परिवार के साथ ढेर सारा वक्त बिताया करता था। वो भी क्या दिन थे। घर वापस आते ही बच्चे आपस में लड़ने लगते थे मेरे लाए हुए मिठाई और चीज़ों को लेकर। आखिर में डांटने पे ही बात समझा करते थे वो लोग। रात को कहानियां सुने बिना तो उनको नींद ही नहीं आती थी। सुषमा के हाथों से बनाया हुआ पकवान अपने दोस्तों के साथ बांटकर खाने में निधि और राजू को सबसे ज़्यादा खुशी होती थी। उनके दरिया दिली और मासूम हरकतों से गांव के लोगों में भी उन दोनों के लिए बहुत प्यार था। पर उनका यही प्यार मेरे बच्चों के लिए श्राप बन गया, श्राप बन गया। यहाँ तक बोलकर अचानक अंकल फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इससे पहले हम में से किसी ने भी अंकल को ऐसे टूटते हुए नहीं देखा था। मैं आगे बढ़कर अंकल के पास जाकर बैठ गई और बोली, ऐसे क्यों रो रहे हो अंकल, मत रोइए प्लीज़। मेरे पापा बोले, देख यार, अगर तुझे ये सब हम लोगों को बता कर दिल हल्का होता है तो बता दे आज सब कुछ, पर अगर तेरे दिल का दर्द और बढ़ता है तो रहने दे। तुझसे आज के बाद कोई भी भाभी के लिए कुछ नहीं बोलेगा। इतना कहकर पापा हम दोनों की ओर मुड़कर बोले, ये आखिरी बार है जब तुमको मैं वार्न कर रहा, अंकल को आज से ये सब के लिए फोर्स मत करना। आंटी को यहाँ लाने की बात भी मत करना गलती से, देखो अंकल कितना दुखी हो गए हैं। मैं सर झुकाकर अंकल को देख रही थी कि तभी अंकल हल्की सी आवाज़ में बोले, नहीं नहीं, बच्चे की गलती नहीं, ये बात मैं खुद भी तुम सबसे छुपाना नहीं चाहता था, पर क्या करता, हिम्मत नहीं जुटा पाया कभी। आज बोलना शुरू किया है तो मैं रोकूंगा नहीं खुद को। बात उस मनहूस दिन की है जब सुषमा बाजार गई थी सब्जी लाने। मैं ऑफिस में था और परिवार के सभी एक दावत में गए हुए थे। राजू और निधि गांव से बाहर एक मैदान में खेल रहे थे। छुपन छुपाई खेलते खेलते रामू नाम का हमारे पड़ोसी का लड़का पता नहीं कैसे और कब मैदान से जुड़ी एक नदी के करीब पहुंच गया और जब निधि उसको देखकर चिल्लाई, पकड़ लिया, तो ऐसा कहते ही रामू भागने के लिए जैसे ही तैयार हुआ वैसे ही उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। वो 5 साल का बच्चा दीदी बचाओ निधि को पुकारने लगा, दीदी मुझे बचाओ। निधि खुद 7 साल की थी, उसे भी तैरना कहाँ आता था, पर वो कुछ बिना सोचे समझे उस बच्चे को बचाने नदी में कूद पड़ी। पर थोड़ी ही देर में दोनों ही पानी में डूबने लगे। राजू अचानक तभी निधि को ढूंढते हुए वहाँ आ पहुँचा और बिना वक्त गवाए वो पहले रामू को बचाकर नदी किनारे अपने बाकी दोस्तों के पास उसे रखकर वापस निधि को बचाने नदी में कूद पड़ता है। पर नदी के पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने कहा था, दूसरों के लिए पहले सोचते थे, बाद में अपने भले के बारे में। उनकी यही अच्छाई उस दिन उनको महंगी पड़ गई। किनारे पे खड़े हुए बाकी बच्चे और रामू मेरे बच्चों को धीरे धीरे डूबते हुए देखकर मदद के लिए चिल्लाते रहे, पर
गांव वहां से दूर थी, इसलिए किसी भी गांव वालों के कानों में उनकी आवाज तक नहीं पहुंची। उस दिन राजू और निधि को नदी के पानी ने निगल लिया। इस हादसे के एक हफ्ते तक तो सुषमा बिल्कुल पत्थर सी ही बन गई थी, ना कुछ बोलती, ना रोती, ना कुछ खाती। डॉक्टर्स ने भी कहा कि उसे सदमा लगा है। पहले हम सब कोशिश करते रहे पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन जब शाम को मैं घर वापस आया तो सुषमा मेरे पास आकर इतने दिनों बाद अचानक से बोली, अरे आप आ गए, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आज निधि और राजू गाजर का हलवा खाने के लिए ज़िद करने लगे तो मैंने भी बना ली। आप अपना मुँह हाथ धोकर कपड़े बदल कर आइए, मैं आपके लिए भी खाना लगाती हूँ। बस यही से शुरुआत थी सुषमा की पागलपंती की। उसका वहम और बढ़ता चला गया। इसके बाद से दिन भर वो पता नहीं किसके साथ बात करती थी, मानो कि निधि और राजू अभी भी उसके आसपास हो। कई डॉक्टर्स दिखाए पर सबका यही कहना था कि अब उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं। आस पड़ोस के लोग उसे पगली बुलाने लगते तो वो और बौखला उठती थी, और उनको निधि और राजू की मौजूदगी महसूस कराने की पूरी कोशिश करती रहती थी। मेंटल हॉस्पिटल के लिए कई लोगों ने भी सुझाव दिया पर ना मुझसे ना मेरे परिवार वालों से ये हो पाया, इसलिए घर पे ही उसे कैदी जैसा रखने लगे हम लोग। यहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद उसे यहाँ लाने के लिए मन होते हुए भी मैं उसे अपने पास नहीं ला पाया। किस किस को जवाब देता फिरूंगा, मैं खुद भी टूट चुका हूँ। इतना कहकर अंकल चुप हो गए। मेरी माँ थोड़ा तसल्ली देते हुए बोली, देखिए भाई साहब, मैं फिर भी कहूँगी, जो कुछ भी हो गया उसे बदल तो नहीं सकते और भाभी का मन भी नहीं बदल सकते, पर आप हालात ज़रूर बदल सकते हैं। शायद माहौल बदलने से उन पे कोई असर दिखे, एक बार कोशिश करके तो देखिए। उनको यहाँ ले आइए एक महीने के लिए, बच्चों की समर वैकेशन भी है, वो सुषमा भाभी का दिल भी बहलाया करेंगे, उनको भी थोड़ी खुशी मिल जाएगी। माँ की बातों से पापा भी सहमत हुए। अंकल उसके बाद काफ़ी सोचकर फाइनली मान गए। आंटी से जब पहली बार मिली तभी एक अनजाना सा नाता जुड़ गया। उनकी प्यार भरी बातें, उनका लाड़, सबके साथ वो अपनापन, कभी पता ही नहीं चलता था कि वो इतनी बीमार है। पर कुछ चीज़ें बहुत खटकती थी, उनका कभी कभी हवा में हाथ हिलाकर इशारों में किसी से बात करना, हंसना और मुस्कुराना, मानो कि उनके सामने ही कोई खड़ा हो पर हमें दिखाई नहीं दे रहे। पर मेरे पेरेंट्स ने बार बार हमें वॉर्न किया था कि चाहे जो भी हो जाए ये सब उनका वहम है, ये बताने की कोशिश हम गलती से भी ना करें या उनसे इस बारे में कोई भी बात हम ना करें, इसलिए सब कुछ देखते हुए भी हम अनजान बने रहते थे। मेहता अंकल काफ़ी खुश थे, उन्होंने ही कहा हमसे कि यहाँ आने से आंटी की तबीयत और सही हो रही थी, वो बहुत खुश है, हम दोनों की बहुत तारीफ किया करती है।
एक ऐसी ही गर्मियों के दोपहर में हम सब उनके घर पे लंच पे इनवाइटेड थे। पापा और अंकल जोर जोर से हंस रहे थे किसी बात से। माँ और सुषमा आंटी किचन में लंच की तैयारी कर रहे थे। मैं और भाई एक साथ पहली बार बैल्कनी में खेल रहे थे। अंकल का फ्लैट फोर्थ फ्लोर पे था, जबकि मेरे पापा का फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर। बैठे बैठे भाई और मैं बॉल से खेल रहे थे। भाई मुझसे बहुत छोटा था, बस 1.5 साल का, तो वो भी खुशी से बीच बीच में तालियां बजा रहा था। मुझे माँ ने किचन से कुछ काम के लिए बुलाने पर मैं वहाँ चली गई, पर जब वापस कुछ देर में भाई के पास आई तो उसको देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने तब वो नज़ारा था जो शायद मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज तक वो नज़ारा सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद किसी वक्त खेलते हुए भाई के हाथ से बॉल छूटकर बैल्कनी से नीचे गिर रही थी। भाई उसको देखने के लिए नीचे झुका होगा और उसका पैर फिसल कर वो बैल्कनी से नीचे गिरने ही वाला था जब मैं वहाँ पहुँची। मेरे सामने सच में तब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे भाई का नन्हा सा हाथ अपने हाथों से जकड़ रखा था, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा था, जबकि भाई बिना कुछ पकड़े भी बैल्कनी से थोड़ा नीचे हवा में झूल रहा था। पता नहीं कब आंटी भी वहाँ आ गई थी। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए वो फौरन बोल उठी, राजू बेटा उसको उठा ला, धीरे धीरे आराम से, देखना कहीं चोट ना लगे। धीरे धीरे वो अदृश्य हाथ जैसे मेरे भाई को ऊपर उठाने लगी, और जब वो बैल्कनी के किनारे पे पहुंचा तब आंटी एक बार फिर बोली, निधि बेटा उसको राजू के हाथ से अपनी गोदी में लेकर बैल्कनी में बिठा दे। फिर मैंने देखा जैसे कि किसी और के अदृश्य हाथों ने भाई को अपने गोद में उठाकर वापस बैल्कनी के ज़मीन पे बड़े प्यार से बिठा दिया। इसके आगे आंटी कुछ तो बोल रही थी, पर क्या बोल रही थी वो मेरे कानों में उतरी ही नहीं। पर ये मैं ज़रूर समझ गई कि आंटी पागल नहीं है, ना ही निधि और राजू का उनके पास रहना कोई वहम। वो अपने माँ के साथ ही थे, हैं और रहेंगे शायद हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मम्मी से डांट खाने के डर से मैं अपने घर पे ये किस्सा आज तक कभी बता ही नहीं पाई। ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आज ये घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें, जहाँ मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।